इस टाइम पर बहुत ही क्लोज सोर्सेज से बात सामने आ रही है कि नेहा कक्कर बहुत ज्यादा बीमार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आखिर क्या वजह बनी उनके इतने ज्यादा बीमार होने की, उनके इतने ज्यादा डिप्रेशन लेने की, और वजह सिर्फ और सिर्फ रोहन प्रीत सिंह ही बताए जा रही है। आपको बताते चले इन दोनों की डाइवोर्स के बारे में, तो कुछ दिन पहले से स्पेकुलेशन बढ़ना शुरू हुई, लेकिन खैर इनकी सेहत पर खासी असरअंदाज हो चुकी है, क्योंकि नेहा एक बहुत ही टची बंदी है। अगर ये कहा जाए कि कोई भी डांस परफॉर्मेंस होती थी, सिंगिंग परफॉर्मेंस होती थी, तो नेहा छोटी सी बात पे भी रोने लग जाती थी। वो इतनी ज्यादा नाजुक और नरम दिल की बंदी है, लेकिन अब अपनी जिंदगी में इतना बड़ा रफ पैच आया, इतनी बड़ी बुरी जगह आई है अब जिंदगी में रोहन और इनके दरमियान, क्योंकि इन दोनों का कपल वैसे भी बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत रखने वाला था। तो इसकी वजह से नेहा बहुत बुरे तरीके से बीमार हो चुकी है और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एकदम से उनको ले जाया गया। तो वहां पर जाकर पता चला कि नेहा कक्कर जो कि सेट पर मौजूद थी और सेट से डायरेक्ट वो अपने हॉस्पिटल में गई, तो वहां उनके माता पिता पूरी फैमिली भी मौजूद थी। वहां पर यही बात सामने आ रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन की वजह से, ओवर डिप्रेशन लेने की वजह से बुरे तरीके से बीमार हो चुकी है। खैर बताते चले तो इनकी डिवोर्स की न्यूज तब से ज्यादा रेज होने लगी जब से नेहा कक्कर की बर्थडे हुई, और नेहा कक्कर की बर्थडे में सिर्फ इनकी फैमिली फ्रेंड्स को ही देखा गया, जबकि रोहन ने ना तो इनके लिए कोई बर्थडे पोस्ट लगाई और ना ही रोहन ने इनके लिए कोई बर्थडे पार्टी अरेंज की। सिर्फ इनकी फैमिली ने इनके लिए बर्थडे पार्टी अरेंज की और नेहा इसमें बहुत खुश नजर आई, लेकिन खुशी के पीछे एक गम था, एक दुख था, और दुख था रोहन प्रीत सिंह। व्यूअर्स आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगती है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।